हर खबर से बाखबर, हमारी सब पे नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज अहमद नगर जुबली हल्का अहमद नगर डिवीजन बोराबंडा डिवीजन में कल रात से तकरीबन बड़ी बड़ी आवाज़ें सुनी आ रही थी। तो हमारे अहमद नगर के कारपोरेटर शफी साहब और मैं और मुकामी टीआरएस के कारपोरेटर पूरे आज अहमद नगर में हबीब फातिमा नगर बाबा सराड़ी नगर और एस पी आर इस पर दौरा करें, देखें घर को घर जाके सोहरा भी कहकर 20 से 30 साल का पुराना घर है, पूरा मट्टी से बनाया हुआ शीटों का घर है। इसमें माइल्ड क्रैक आया, रात में जो बड़े बड़े आवाज़ें आने से आवाम में एक अष्टादशरी का माहौल पैदा हुआ है। तो आवाम को पूरा घर के घर जाकर हर एक चौकट के चौकट पर जाकर वही और हमारे कार्यकर्ता शिव साहब भरोसा दिए कोई भी धन्यवाद के साथ है। और जी आर ए की टीम सुबह कारपोरेटर साहब की गुजारिश पर, आपके गुजारिशों पर कारपोरेटर साहब की गुजारिश पर जी आर ए की टीम यहाँ पर आकर साइंटिस्ट भी वहाँ पूरे आकर पूरा यहाँ पर देख के पूरा एग्जामिनेशन कर पूरा देते हैं। और साथ ही साथ में बी फातिमा नगर और एस बी आर इसमें दो ऑप्शन भी लगाए हैं, तो उनके रीडिंग मालूम होने के लिए जो आवाज़ें जो ज़मीन के अंदर से जो बड़े बड़े आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ों की वजह से क्या वजह है, किस वजह से आ रही है, इसका क्या है कि देखें। और एन जी आर ए में हमने पूछा, रिपोर्टर भी पूछा, तो एन जी आर ए कंट्रोल रूम में रिक्टर स्केल पर कहाँ पर कहीं जलजला कहीं कुछ मालूम है क्या पूछा, पर कहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ। 0.5 भी 0.1 भी कहाँ पर भी नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर भी आवाम से हमारी गुजारिश है और आवाम में अच्छा तस्वीर का माहौल है, तो ये वो बातें किसी की बातें ना पकड़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ भी कुछ भी ना, अल्लाह का फजल करम है, रहम करम है। मगर जो आवाज़ें आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से कल आवाज़ आ रही बोल के पूरे जने परेशान हुए, फिर आज भी 6 बजे के मगरिब के बाद आया, कल तो 2-3 बजे अभी मगरिब के बाद आया, फिर अभी इसके बाद 12 बजे तक आया, उसके बाद नहीं आया बोल के बाहर बैठे हुए। आप लोग बाहर बैठ रहे हैं तो वो बाहर रहने के बाद आप लोग सेफ रहते बोल के सब कुछ भरोसा है? वैसा भरोसा तो नहीं है भाई, ऐसा बोल रहे अंदर नहीं रहना बोल तो बाहर आके बैठे, भरोसा तो कहीं भी नहीं, अंदर भी रहो बाहर भी रहो कहीं भी रहो होना है तो बराबर होता, मजबूरी में बाहर आके बैठे। तो ये आवाज़ आ रही है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा? नहीं, ऐसा हिले जैसा हो रहा। वाइब्रेशन कितने बार हुआ साहब? सर तो ऐसा कोई बोल रहे, अब हमारी तो ऐसा बैठी हुई थी तो पलंग पे 2 बार आवाज़ आई, पलंग पे ऐसा दिखा, उसके बाद तो खाली आवाज़ आ रही बोल के अंदर बाहर भागम भाग। तो आपको कैसा लग रहा, आवाज़ आने से कुछ लाश हुई जैसा दिख रहा है? नहीं, लाश हुई जैसा आवाज़ आ, तो खाली आवाज़ है, कुछ भी वो तो नहीं, सिर्फ आवाज़ है, आवाज़ आ रही है, ऐसा बैठे तो हिले ऐसा दिख रहा। शाम के टाइम कितने बजे आया था? शाम में मगरिब के बाद 6:30 रात में भी 3:30 बजे आया उनके सामने में। हाँ, रात में आया, 3:30 रात में, 3:30-2 बजे से आया रात में, कल 2 बजे से 2-3 बजे से आया, 3:30 तक होता है, सुबह 4:30 तक तो होशियार थे हम ना, 4:30 को भी, 4:30 को आया, सुबह 10 बजे भी आया आज। हाँ बोलो। हाँ आज सुबह 10 बजे भी आवाज़ है, नाश्ता करे थे हम ना 10 बजे भी, शाम में 6:30 अभी 12 बजे आया। हाँ थोड़ी देर को आया, घंटे 1.5 घंटे को एक बार चेंज होते है, जरा करेंगे खाने का भी करेंगे, समझो 2 दिन के लिए है तो अच्छा है जी। बोलिए सर, वहाँ बैठ के हम नहीं, अरे ले लो पूरा, ये जो हमारे जुबिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जी, रहमत नगर के हबीब फातिमा नगर में फेज 1 फेज 2 इंदिरा नगर, ये जो आजू बाजू एरिया से 2 दिन से एर्थक्वेक अर्थ में से जो आवाज़ आ रहे, लोग बहुत डर रहे, परेशान में है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बुखार भी आए, डर से कोई भी आप देख सकते हैं पूरे रोड पे सो रहे गरीब लोग हैं, पूरे छोटे छोटे बच्चे भी है, मैं इन लोगों को इनके लिए सेफ्टी वही आपके मीडिया की तरफ से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम पब्लिक को 1-2 दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट हो गया तो अच्छा है, या खास रिश्तेदारों घरों को या फंक्शन हॉल्स कम्युनिटी हॉल्स, हमारे पार्टी की तरफ से मैं 1-2 फंक्शन हॉल भी बात करके लगाऊंगा, हमारे वर्कर्स को भी अभी मैसेज दिया और जो भी मिल रहे सभी लोगों को बोल रहा हूँ, इतना इमीडिएट अगर आप शिफ्ट होएंगे तो अच्छा है अपने लिए, अपन देखेंगे क्या होता बोल के, नहीं अल्लाह को प्रेयर कर, नमाज करो, दुआ करो, शिफ्ट होना बोल के मैं आपके मीडिया की तरफ से मैसेज दे रहा हूँ। हैदराबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।